अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं एड ऑफ हिस्ट्री। आज हम आप लोगों की विजिट कराएंगे एक ऐसी कदीम और तारीखी यूनिवर्सिटी जिसके 100 साल पूरे होने को है, जिसने नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने में एक अहम किरदार अदा किया है। अगर डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, मसलन सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, केमिकल वगैरह वगैरह। तो आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं। बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनमें अक्स, ब्यूटी डिबेटिंग सोसाइटी, लिटरेरी सोसाइटी, अलिफ, अशरे और एएसएमई वगैरह शामिल हैं। और इन सोसाइटीज़ का मकसद महज बच्चों की इंडक्शन करवाना नहीं बल्कि इनको
मोटिवेट करना ताकि वो न्यू डेवलपमेंट्स कर सकें, और इसके अलावा इनको एक मेच्योरिटी लेवल तक लेके जाना। और इसके अलावा जो मेन मकसद इन सोसाइटीज़ का है वो ये है कि इन बच्चों का इनके सीनियर्स के साथ एक इंटरेक्शन हो सके ताकि वो कल को इनके काम आ सके। इसके अलावा यूटी में सिर्फ ये सोसाइटीज़ नहीं है जो कि बच्चों को साइंस की तरफ लेके जाएं, बल्कि एक ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं बहुत सारी जो कि बच्चों को दुनियावी मामलों से हटाकर दीनी मामलों की तरफ लेके जाती हैं और बच्चों को इस बात की तरगीब देती हैं कि वो दूसरों की मदद कर सके। और इसमें एक बहुत अच्छा नाम जो जिससे हमारा डिपार्टमेंट भी वाबस्ता है वो है कारे कमाल, जो कि बहुत सारे बच्चों की बूढ़ों की और औरतों की इमदाद कर रहा है। अभी हम एनएक्सी सेंटर में मौजूद है, इसको पंगा सेंटर भी कहा जाता है। यहाँ का पंगा काफ़ी उम्दा और टेस्टी है। मेरे ख्याल में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो यूटी में पढ़ता हो और उसने पंगा नहीं पिया हो। जुनैद जमशेद स्टेडियम, इसको जेजे स्टेडियम भी कहा जाता है। जुनैद जमशेद के नाम से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि वो नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जुनैद जमशेद ने यूटी से इंजीनियरिंग की थी जिसकी वजह से स्टेडियम को जुनैद जमशेद स्टेडियम भी कहा जाता है। स्पोर्ट्स टाइम पर यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है, स्टूडेंट्स गेम्स वगैरह खेलते हैं और टूर्नामेंट्स भी मुनक्कद किए जाते हैं। आज से 2 साल पहले यहाँ पर पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम और यूटी टीम के दरमियान क्रिकेट मैच मुनक्कद किया गया।
और हमारा दोस्त बैडमिंटन खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारा डेली रूटीन ये होता है कि शाम को डिनर करने के बाद सारे लड़के सड़के लिए बैठ जाते हैं और फिर 11 बजे तक पढ़ते हैं और 11 से लेकर 12 बजे तक एक घंटा ज़रूर बैडमिंटन खेलते हैं। फिर 12 बजे से और फिर उसके बाद सुबह सुनवाई बच्चे माता करते हैं।